तो हाँ जी, राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सिंह आगो। देखो, अपना चैनल पर लाइव मिल्किंग चली हुई थी भाई पशुधन की। बिल्कुल चार दांत का जो पशुधन था भाई, 17 किलो जो दूध पशुधन निकाल करके आया भाई, 22 से 23 दिन का जो पशुधन सुआ हुआ भाई। तो लगातार अपने साथ हैं भाई ताऊ जी हैं और इनके बेटे सुपुत्र। तो भाई तो पूरी जानकारी लेंगे कि भाई सेल के विचार हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे, तो सभी चीज़ें क्लियर करेंगे भाई वीडियो के अंदर। तो भाई जी नमस्कार। राम राम भाई। और भाई जी ठीक हो? ठीक ठाक भाई। तो मिल्किंग हुई अपनी, तो संतुष्ट हो इस चीज़ से? संतुष्ट हूं। बिल्कुल। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। और ताऊ जी ठीक हो? ठीक भाई। बिल्कुल। तो भाई अपना एक बार गाँव का नाम? गाँव मालवी भाई। गाँव मालवी, जिला जींद। जिला जींद। जींद से कितने किलोमीटर की दूरी हो जाए? 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की। तो देखो, आपने जब लाइव मिल्किंग शुरू की थी तो आपने बताया था कि भाई 17 किलो के आसपास पशुधन चले हुआ है। हाँ। तो कितने दिन की ब्याई होगी भाई? 22-23 दिन की। 22-23 दिन की। तो अगर बात करें भाई, हमेशा बात रहती है कि भाई ब्लड लाइन क्या है जोटी की, तो ब्लड लाइन का भरम HLDB। तो जो स्ट्रो लगाई थी डॉक्टर ने, सीमन लग रखा था, वो कौन सा सीमन था भाई जी? अच्छा, ऐसे नहीं पता। तो लगभग अपने पास जैसे और भी पशुधन है भाई? इसकी माँ है वो, इसकी मान है प्रली। अच्छा अच्छा, ये इसकी माँ है? या इसकी माँ है भाई। ये देखें भाई, जो ये कौन से, मतलब ये भी चल रही है? कौन से ब्यात में लेकर आए थे भाई? अभी दूसरे ब्यात में लेके आए थे। दूसरा ब्यात में हमने भी चार ब्यात रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना दूध निकाला है भाई? 21-22 किलो निकाले। तो अभी ड्राई होगी? कैसे की होगी भाई? मतलब ड्राई हो रही है? कौन सा ब्यात में आ गया? आठवां ब्यात। तो इसके बाद जिस छोटी है ये भी इसकी है, उससे मतलब जिसकी बड़ी। हाँ, उससे बड़ी। तो इसका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा था भाई पहले ब्यात में? इसका भी 17-18 किलो का दिया था। 17-18 किलो इसका भी निकाला था? हाँ, इसका भी। बहुत अच्छा, मतलब जो अभी का ब्यात है उसकी कटिया है इस जो टीकी कटिया। तो ये देखें भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा जो पशुधन। और कितने दिन रहेंगे भाई उसके बच्चा देने में? इसके भी 24-25 दिन। 24-25। तो इस पर कितने की उम्मीद है सेकंड टाइमर में भाई? 21-22 किलो की उम्मीद। 21-22 किलो की उम्मीद है इस पर भी। तो ये देखें भाई, इसकी कटड़ी है, भगवान भाई उम्र लगावे, बहुत अच्छी तैयारी पर भाई जोटी भी है। और भाई लगभग बात करें भाई, जो टेल की बात आती है, मुर्रा करेक्टर की बात आती है, प्योर जेड ब्लैक टेल भाई, बिल्कुल जो सभी मुर्रा पशुधन का। और बात आ जाती है भाई इस जोटी की, तो 17 किलो दूध भाई जोटी निकाला। अभी टाइम है भाई सुबह का, 8 बजे, सुबह 6 बजे मिल्किंग कंप्लीट होगी थी। और बहुत ही शांत स्वभाव का जो पशुधन है। तो नीचे के है भाई जी इसका? कटला। ये देखे भाई जो नीचे मेल का, कौन से बुल का भाई है? वो भाई विराट का। विराट गुमड़, सोनीपत। बिल्कुल भाई, उसका ये कटड़ा है। तो ठंड का भी टाइम है भाई, इसका तो सीमन भी दिया है। इसका सीमन भी रखा है? तो सीमन भी दिखाओ भाई एक बार, अगर रखा हो तो। तो लगभग भाइयों, आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना। तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। तो जो भाई ने बताया भाई, बिल्कुल जो सीमन ने जो रखवा था विराट गुमड़ का, तो किस रेट में पड़ा था भाई जी अपना ये विराट गुमड़ का जो सीमन? तो लगभग भाई बात आती है कि सेल करने के विचार है कि नहीं है भाई के? सेल करोगे? सेल कराएंगे। अच्छा अच्छा। तो दूसरी जो इसकी बाण है वो भी नजदीक? हाँ, उसकी टाइम पे देखा है मुझे। अच्छा, उसको भी टाइम पे देखोगे? हाँ, तो कितना के कुछ मोल भाव है ताऊ जी, बताओगे या बताओगे? ताऊ जी बताओ। ताऊ जी तो मुंह से कितने दांत होगी थी भाई? 4 दांत है। 4 दांत चेक करा देगी भाई जी? ये देखिए बिल्कुल दिखे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिखे दिखे। 4 दांत का जो पशुधन है भाई ने जो बताई थी वो चीजें सभी क्लियर हैं। तो मोल भाव है ताऊ जी करेंगे? ताऊ जी क्या कुछ मोल भाव करोगे इससे? 5.5 लाख रुपये। तो लगभग बात आओ कि ये बतो, कम से कम भी पहले जो जोटी आया करे वो 40-45 दिन तक निखर के आया करे, तो उम्मीद और भी बढ़ने की है इससे? 20 किलो कर देगी? तो 20 किलो पर तो चीज और हो जाए ताऊ जी। और फिर बात आ गया बड़े भाई, बोले बूस्टिंग लगा ले आज ना भैया, बूस्टिंग का काम है। तो लगभग भाई देखो, जब अपन लाइव मिल्किंग की तो भैया ने मतलब इसको ऊपर कवर, मतलब पर्दा कुछ भी नहीं डाला हुआ था। और लगभग जो एक ब्लड लाइन का जो पशुधन है भाई के पास है, तो इसमें भाई बिल्कुल अलग चीज हो जाए, एक व्यापार लाइन, एक पशुपालन लाइन और एक कच्चा खुट्टा जो वीडियो कवर, उसमें बहुत दिन रात का अंतर हुआ है। तो 5.5 लाख रुपये मोल भाव किया ताऊ जी, तो आगे भी 20 किलो से टच कर गया ताऊ, तो जब भी मोल भाव रखोगे फिर बाजारा होगा, फिर उसके बाद 17 किलो काटा का दूध दिन तोल करके दिखा। हाँ। भाई देखो बहुत तो है। तरह सामने तो ले। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, लाइव मिल्किंग है भाई, आप चैनल पर जा करके और लाइव मिल्किंग भाई जोटी की देख सको बिल्कुल 4 टाइम का। तो इसी के साथ भाई सभी पशुपालक साथियों को राम राम है, नमस्कार है, सत श्री अकाल भाई जी।